जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम लोग एमपी सुपर हंड्रेड एग्ज़ाम के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। अभी पेपर की डेट 1-2-3 तारीख तक में आएगी, इसीलिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर एक है, ऊष्मा का सबसे कम सुचालक कौन सा है? ऑप्शन ए एक सुराख, बी सोना, सी प्लेटेनियम, डी चांदी। करेक्ट आंसर है शीशा। ए नंबर पे शीशा लिखा है, मिस्टेक हो गई थोड़ी। प्रश्न नंबर दो, धातुओं की सबसे बाहरी कोष में डैश डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1-3, बी 1-8, सी 7-9, डी 10-12। करेक्ट आंसर है 1-3। ए नंबर, धातुओं के सबसे बाहरी कोष में 1-3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रश्न नंबर तीन, कौन सा ऑक्साइड उदासीन है? ए नंबर H2O, बी नहीं, सी MgO, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन है H2O, करेक्ट ऑप्शन ए H2O। प्रश्न है अगला, Al2O3 2SiO2 2H2O का रासायनिक सूत्र है, ए चाइना क्ले, बी बॉक्साइड, सी हेमेटाइट, डी मोनोटाइज। करेक्ट आंसर है इसका, करेक्ट आंसर है चाइना क्ले, यानी कि ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु है, मिश्रण एक उपधातु, एक तत्व, एक आइसोमर मिश्रण, कौन सी अधातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है? ग्रेफाइट, इसका करेक्ट आंसर ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? AgBr, AgO, एसिल एग्रोथिन। इसका करेक्ट आंसर है AgBr। अगला क्वेश्चन है, कार्नेलाइट किसका खनिज है? MgNaCa, ए सभी। इसका करेक्ट आंसर है Mg। मैग्नीशियम का उपयोग किसमें किया जाता है? ये सभी, बी नंबर ग्रीन ग्राड अभिकर्मक, और सी नंबर फ्लैक्स बल्ब, और डी नंबर इलेक्ट्रॉन मिश्र धातु। इसका करेक्ट आंसर है ये सभी। मैग्नीशियम का उपयोग किसमें किया जाता है? इन सभी चीज़ों में मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिनबार किसका अयस्क है? पारा का, कैल्शियम का, तांबा का, सीसा का। इसमें गलत आंसर लिखा है, इसमें बुध लिखा है, इसमें बुध नहीं होगा। सिनबोर किसका अयस्क है? सिनबोर पारा का अयस्क है। हीमोग्लोबिन का घटक है लोहा, तांबा, सोडियम, मैग्नीशियम। करेक्ट आंसर लोहा। पृथ्वी की सतह पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? अलओफ्रे, तांबा, तांबा। इसका करेक्ट आंसर है तांबा। और उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु आसानी से बन सकते हैं, धनात्मक आयन, नकारात्मक आयन, तटस्थ आयन, और संयोजक बंधन। इसका करेक्ट आंसर है धनात्मक आयन, करेक्ट आंसर है धनात्मक आयन। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, वाष्पशील धातु को किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? आसवन द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा, द्रवीकरण द्वारा, इलेक्ट्रॉन रिफाइनिंग द्वारा, आवसन द्वारा। अमलगम किसका समरूप मिश्रण है? धातु और पारा का, धातु और धातु का, धातु और धातु का, ये सभी, धातु और पारा का। निम्नलिखित में से कौन सा लौह मिश्र धातु है? स्टील, पीतल, सोल्डर, मैग्नीशियम। करेक्ट आंसर स्टील। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी खनिज अयस्क हैं, सभी अयस्क खनिज हैं, सभी अयस्क खनिज हैं, कोई भी सही, सभी खनिज अयस्क हैं। करेक्ट आंसर सभी खनिज अयस्क हैं, यानी कि ए नंबर। खाद डिब्बों पर जिंक के नहीं बल्कि टिन की परत चढ़ाई जाती है, क्योंकि जिंक टिन से अधिक अभिक्रियाशील होता है, जिंक टिन की तुलना में कम अभिक्रियाशील है, जिंक का गलनांक जिंक टिन से महंगा है, जिंक टिन से अधिक अभिक्रियाशील है, जिंक टिन से अधिक अभिक्रियाशील है। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, थैंक यू, बाय।